वहाँ कुछ वीडियो शूट चल रहा है और यहाँ भी चल रहा है, वहाँ भी चल रहा है, मतलब टकाटक चल रहा है। खैर इसका शॉट रह गया, रीटेक्स कर करके आपका परफेक्शन आता है, आप पहली बार में यू कैन एक्सपेक्ट किया और ये तो अच्छा है। हे गाइस, आई एम आशिका भाटिया और मैं हूँ पेन हाउस के सेट पे एंड बहुत ही चहल पहल हो रही है। मैं आपको दिखाऊंगी, उससे पहले हम मिलते हैं स्वाति से। हाय, आई एम स्वाति, फ्रेंड है एंड मेट एंड विशाल, ये है मेरे दोस्त विशाल। हाय, हम तीनों सबसे क्लोजेस्ट है यहाँ पे। मैं ये थोड़ी सुंदर, हाँ क्या करूँ, ये इतनी सुंदर है तो आप ही बताओ क्या करूँ। एंड ये काफ़ी फनी है, बहुत ही ऑन द स्पॉट टाइम जोक्स मारते हैं, ये वेरी फनी। नॉटी भी यही है, चालू रहती है। हम लोग बहुत ज़्यादा ही एक आपस में हमारा चलता रहता है, वो देखो तो ऐसा चलता रहता है, तो हमारी ये सब प्रॉब्लम चलती रहती है। तो आइए आपको फेम हाउस के और लोगों से मिलवाते हैं। चलो चलो आइए। ये दीपक, मेरा नया दोस्त बनाया आज। चीज विश, हम सब यहाँ पे नए दोस्त बने हैं। चल मारवर अकेले। Okay, that's it. Ridhima! Hi! Hi, Ridhima! हमारे बात नहीं है, बड़म करेंगे और बातें करेंगे और बातें करेंगे। ये सोफिया, खैर इसका शॉट रह गया। सबको बताया मैंने, सोफिया का शॉट रह गया था। सबको बताया, हाँ मतलब सॉरी। तो हम आगे बढ़ते हैं। ये भी बहुत ज्यादा मस्ती हो रहा है यहाँ पे। एंड शी इज ट्विन वन, ट्विन टू मेरे सामने से गई, बट फिर मैंने कहा दोनों को साथ में मिलवाती हूँ। सो पहले हम ट्विन, अरे ट्विन टू आ गई, जल्दी आओ ट्विन टू। सो ये है हमारी रश ट्विन्स, पता चल रहा है? राष्ट्रीय साबृति और हम दोनों साथ में, हमें रश ट्विन्स बोलते हैं। यस, और कहाँ है बाकी लोग? पता नहीं बाकी लोग कहीं कहीं टिकटॉक बना रहे हैं, वहाँ कुछ वीडियो शूट चल रहा है और यहाँ भी चल रहा है, वहाँ भी चल रहा है, मतलब टकाटक चल रहा है। हम पहले ब्रेकफास्ट करने आते हैं, उसके बाद हमारा शूट स्टार्ट होता है अराउंड 12:30। हम लोग रेडी होना शुरू करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग शूट पे आते हैं। एंड देन हम बहुत फन करते हैं सेट पे, मतलब इट डजंट रियली फील लाइक शूट शूट, बट हम लोग बहुत इन्जॉय करते हैं। एंड थोड़े नए नए फ्रेंड्स भी बने, तो थोड़ा और मज़ा आता है उनसे इंटरेक्ट करने में, जानने में। सो इट्स काइंड ऑफ फन। और उसके बाद हम लोग फ्री हो जाते हैं शाम को, फिर हम लोग एक दूसरे के रूम में चिल करते हैं, या मन करता है तो हम लोग वीडियोज भी बना लेते हैं। एंड ऑल्सो वी हैव डिनर, एंड देन कल रात को जैसे हम लोग भूल गए थे तो हमने बहुत इन्जॉय किया। वैसे प्लान 3-4 लोगों का था, बट देन सडनली सभी जम कर लिए। इट वॉज वेरी 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 फन एंड आई एम रियली इन्जॉइंग टिल नाउ। इट्स बीन जस्ट 2 days एंड आई एम जस्ट वेटिंग फॉर मोर 3 days एंड आई होप एंड आई थिंक इट विल बी फन। सो लेट्स जस्ट सी आगे। वैसे ये खुद मैं अभी देख रही हूँ आराम से, एज यू कैन सी कि हमारा सेट कब से रेडी है, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ बारिश हम लोग शूट नहीं कर पा रहे। बट वी हैव चेंज टू इंटीरियर आई गेस, सो हम लोग इंटीरियर में शूट करेंगे तब तक सेटअप हो रहा है। तब तक आप एक लुक देख लो कि हमारा कैसा सेटअप है, बहुत ही प्यारा है, बलून्स एंड ऑल एंड ऑल्सो दैट पार्ट। एंड हियर दे आर मेकिंग चकाचक, आप देख लीजिए कैसे बनते वीडियोस, हमारे मेहनती। हाँ मेहनत तो लगती है, पसीने तो आते ही है, वो भी गर्मी में, और हाँ गर्मी तो है। सो यस, गुड वर्क गाइस। तो लगते हैं, बिकॉज इफ़ यू नीड परफेक्शन यू नीड टेक्स, एंड आई थिंक टेक्स रीटेक्स कर करके आपका परफेक्शन आता है, आप पहली बार में यू कैन एक्सपेक्ट किया और ये तो अच्छा है, अनलेस यू आर वेरी प्रोफेशनल। सो या इट टेक्स। आप बताओ, आपको सलमान खान के साथ काम किया है, सीरियल भी किए, फिल्म भी की है, ये सेटअप, ये जो नई चीज़ है, कितनी अलग है फिल्म और सीरियल? I think it has to be my first reality type thing because I've never done that in my life. Matlab mostly I was into daily soaps, movies and ads and video stuff. But this is my first time and it is of course different and I'm enjoying it.
enjoying because जितना ही fun shooting में उतना ही fun बहुत बार chill scenes भी है so it doesn't feel like as I said shooting so it's fun and I guess Ayush और Nisha रह गए. Ayush Nisha आओ ना जल्दी आओ जल्दी भक्के. That's Nisha, that's Ayush and लोग से मिलवाए नहीं पाए क्योंकि लोग दिख ही नहीं रहे थे. So yes. एग्जैक्टली मैंने कहा ना इधर उधर कहाँ टकाटक बन रहे मुझे पता नहीं है बट चलो अच्छी बात है. नहीं ये तो मिलवा चुकी हूँ ऑलरेडी फिर से तो अंदर मतलब ऑन द स्पॉट मतलब अगर आपने कंटेंट सोचा है तो वो अलग बात है लेकिन जब जो प्रॉप्स दिखते हैं हमारे पास तो हम उस हिसाब से सोचते हैं कि हम क्या कर सकते हैं. जैसे यार ये बलून है तो उसके साथ हम क्या करेंगे सो वो डिपेंड करता है कि चीज़ें क्या रखी है तो हम लोग फिर वो ऑन द स्पॉट सोच लेते हैं जिसके बाद जवाब मेरे पास तो नहीं है तो जो सोचना उसकी अच्छी बात है.